देखो और क्या है, ये उड़गी 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 हमारे एक बहुत ही करीबी दोस्त की लाहौर में शादी है, आज उसका वलीमा है, वो हमने अटेंड करना है, तो उसके लिए हम लोगों ने स्पेशल तैयारियां करनी है। शवेज ने भी स्पेशल तैयारी करनी है और उसके साथ साथ मैंने भी स्पेशल तैयारी करनी है, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होगा। हमने तैयारी वगैरह करनी है, ड्रेसअप करना है, थोड़ा अपने आप को ठीक करना है, तो उसके साथ साथ कुछ काम भी हैं वो भी करने हैं। अभी जो है कपड़े वगैरह प्रेस करने हैं और सिलेक्ट करना है कि कौन सा ड्रेस पहनना है, और शवेज के लिए भी हमने ड्रेस सिलेक्ट करना है कि शवेज कौन से कपड़े आज पहनेगा, तो वो ड्रेसेस भी हम आप लोगों को दिखाएंगे कि आज हम कौन कौन से ड्रेस पहन रहे हैं। तो अभी जो है मैंने बाहर जाना है, मैंने बियर्ड वगैरह ठीक करवानी है और एक और काम है, मतलब ये कि हमारा जो गैस वाला सिलेंडर है ना वो खत्म हो गया, वो हमने भरवा के लाए थे, हमारा एक हफ्ता ही चला और वो खत्म हो गया। ऐसे लगता है सिलेंडर में आधी हवा भरते हैं और आधी गैस होती है, वो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, तो अभी मैंने जाना है सिलेंडर में गैस भी भरवानी है और अपना जो काम है बियर्ड वगैरह वो ठीक करवा के आनी है, तो फिर वापस आते हैं, फिर बाकी जो तैयारियां हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो उतनी देर में जब तक वापस आऊंगा तो शवेज जो है रेडी होकर बैठेगा, अपनी ड्रेसिंग वगैरह करके ये मामा के साथ रेडी होगा और फिर मैं आऊंगा और मैं अपनी तैयारी वगैरह करेंगे, फिर हम शादी पे निकल जाए। अभी मैं चलता हूँ, अपने काम वगैरह जो है छोटे मोटे वो करके आता हूँ और फिर बाकी तैयारियां वो आके वापस आ। तो मैंने अभी बैठ जाना है काम के सिलसिले में और इधर शवेज का ड्रेस जो है उसकी मम्मा ने प्रेस करके खड़ा कर दिया, ये देखें जी हैंग कर दिया प्रेस करके, ये बहुत ही क्यूट सा रेड कलर की शर्ट है और उसके साथ जो है ना ये वाला हमने पेंट शर्ट के साथ लिया था, लेकिन इसकी जो है ना इस लाल शर्ट रेड शर्ट के साथ मैच कर गया बिल्कुल, ऐसे लगता है ये इसी के लिए ही बना। तो ये भी शवेज पहनेगा तो फिर देखेंगे कि शवेज को कैसे लगता है। और शवेज जो है इधर नहाने के लिए तैयार होकर बैठा, हाँ जी नहाना नहीं आपने शवेज, रेडी हो जाओ अपने नहाना भी शवेज जो है ना हमसे भी ज्यादा जल्दी में, जल्दी जल्दी मुझे नहलाओ और मुझे नया ड्रेस पहनाओ। ओके शवेज गेट रेडी देन ड्रेस रेड शर्ट ओके। ये जी हमारा सिलेंडर आ गया, अभी परिवार में जल्दी वापस आता हूँ और फिर तैयारी करते हैं। फाइनली जो है सिलेंडर भर के आ गया है, अभी इसको अंदर शिफ्ट करते हैं। ये है कुछ 4 किलो का है, इसमें मैंने 3.5 किलो भरवाइए ताकि थोड़ा सेफ्टी मार्जिन रहिए, नो कहीं ठा ही ना करिए। और यार सन्नाटा छाया हुआ गैलरी में, मैं बाहर वाले काम करके घर वापस पहुंचे हूं। शवेज जो है ना बिल्कुल रेडी होकर बैठा, उसने ये देखें लाल कुर्ता पहना हुआ है, नीचे व्हाइट सलवार है और ऊपर ग्रे कलर का वेस्ट कोट पहना हुआ है। तो ये माशाल्लाह पूरा क्या कहते हैं ड्रेसिंग करके ना दूल्हा साहब बन के बैठे हैं, दूल्हा साहब नहीं ये मुझे वो शबाज लाल कलंदर वाला मलंग लग रहे हो कहते हैं नहीं मजाक नहीं करो मैंने ड्रेसिंग की है और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, नहीं नहीं ये माशाल्लाह इसको बहुत क्यूट लग रहे हैं, आप देखेंगे आप लोगों को भी पसंद आएगा ये वाला ड्रेस जो शवेज का ये देखो। चलो मैंने भी तैयार होना शवेज, मुझे नहीं टाइम देना आपने, आपने अकेले ही जाना शादी के। इसका भी जो एक आइटम मिसिंग है वो इसका जो है ना खुस्सा, वो हमने मिस कर दिया है, खुस्सा यहाँ पे नहीं है, खुस्सा हमारा उधर जो है ना अम्मा जी के घर में पड़ा हुआ है, तो शवेज का खुस्सा मिस हो गया, अदरवाइज ये जो ना पूरा तैयार हो गया जाना था चौधरी साहब बन के। भंगड़ा डाल के दिखाओ, शादी का भंगड़ा डालो शादी का भंगड़ा इधर ही हम डाल रहे हैं। ये ना इसको थोड़ी छोटी हो गई है क्योंकि ये जब छोटा था तब हमने ये वाली ली थी, तो अब जो है इसको छोटी हो गई है। आप बैठो मैं जल्दी जल्दी रेडी हो जाता हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है। ओके आप जाओ के बैठो, चौधरी साहब बैठे बैठे आराम से, आपको खाना जरूर मिलेगा। इधर जी मेरा ड्रेस तैयार होके खड़ा हुआ है, ये ब्लू कलर का कोट है नेवी ब्लू कलर, इसके साथ नेवी ब्लू पेंट है और ये व्हाइट कलर की शर्ट है, साथ में टाई के ऑप्शन भी है, दिल किया तो लगाएंगे नहीं तो नहीं लगाएंगे, साथ में ब्लू जूते भी पड़े हुए हैं, तो सब कुछ जो है आज ब्लू ब्लू होने वाला है, तो लेट्स सी देखते हैं आज कैसे ये ड्रेसिंग है। और अभी मैं जल्दी जल्दी नहा लेता हूँ और फिर इसको पहनते हैं और फिर चेक करते हैं कि ये कैसे सूट करती है मुझे।
आपको बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी चल रही है, मैं शादी पे जा रहा हूँ। शादी पे जा रहे, भंगड़ा डाल लिया आपने, आपने भंगड़ा डाल लो चवेज। आप लोग मैंने जरूर बताना है कि चवेज को ये वाली ड्रेसिंग कैसी लग रही है। तो ले जी, आपका भाई जो है बिल्कुल रेडी हो गया, मुकम्मल रेडी हो गया, ज्यादा तैयारी नहीं की। तो अंदर जो वेस्ट कोट टाई वगैरह जो है उसका प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया, वो ज्यादा ओवर हो जाना था, क्योंकि दूल्हे को भी तो थोड़ा मौका देना ही, अभी यही है। और वो ये है कि खाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती, ताकि बंदा खुल के खा भी नहीं सकता, टाई वाई वेस्ट कोट लगा हो ना तो फिर बंदा खा भी नहीं सकता। तो अभी की तैयारी यही है, मुकम्मल होती है ये हमारी वॉच। आप लोगों ने कमेंट में जरूर बताना है कि ये मेरी ड्रेसिंग कैसी लग रही है। अभी जल्दी निकलना है टाइम, क्योंकि 2 बज गए हैं और 2:30 बजे एंडिंग टाइम है, तो 2:30 बजे से पहले पहले वली में पहुंचना, नहीं तो खाने से भी रह जाएंगे और खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। अभी हम लोग निकलते हैं और फिर शादी वगैरह अटेंड करके वापस आएंगे और फिर आपको सारा हाल अहवाल बताएंगे इंशाल्लाह। तो चलो भाई, शवेज को लेते हैं और निकलते हैं। तो फाइनली हम लोग वापस घर पहुंच चुके हैं वलीमा खा के, और शवेज है ये सो गया था, इसने कोई काम नहीं किया वहां पे, इसने खाना भी नहीं खाया और दूध भी नहीं पिया वहां पे। कहाँ बैठा आपने, इधर बैठा है। चवेज की कवाली, अजीज मियां कवाल बन गया अभी। कवाली करे मेरा भी आगा रे। तो माशाल्लाह हमने वलीमा जो है खूब इंजॉय किया, खूब खाया पिया, बहुत अच्छा था। लेकिन वहां पे हम वीडियो नहीं बना सके, एक तो हमें जब निकले थे हम लेट थे, जल्दी में थे, तो भागे भागे वहाँ पहुँचे हैं, और फिर वहाँ जाके सारे लोग जो है अपनी हो गया कहते हैं मसरूफियत में थे, तो बंदा जो वीडियो बनाते हुआ ना अच्छा ही लगता। दूसरा ये था कि ऊपर वो गाने वाने म्यूजिक भी चल रहा होता तो वीडियो नहीं बना सकते। अभी जो है हम लोग चेंज वेंज कर लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, ईजी हो जाते हैं। शवेज भी काफ़ी टाइम से ऐसे ही इस ड्रेसिंग में है और इसको ना वो तंग हो रहा है। इधर शावेज का झूला है, बाहर ही पड़ा हुआ, उसको उठा के नीचे नहीं लेके, रात को भी इधर पड़ा हुआ छत के ऊपर। और ये छत के ऊपर ये किसके कपड़े, झूला 2 दिन से ऊपर ही पड़ा हुआ है, हमने उठाया ही नहीं, आज याद आया कि आज इसको ना नीचे ले लेंगे। अब ये इसको अंदर रखते हैं, अब दरवाज़ा बंद करें। ईशा का टाइम हो गया और ठंड जो है ना वो बाहर बढ़ना स्टार्ट हो गई। ले जी शवेज का झूला आ गया जी। तो आपके नारा लगा, शवेज जो है नारा लगा रहा है, नारा है झूला। ये देखिए आपका झूला मैं लेके आया, ये खराब हो रहा था छत के ऊपर, आपको पता है ये छत के ऊपर 2 दिन से छत के ऊपर पड़ा हुआ है, आप नीचे नहीं लेके आए। बेसिकली आपने झूला छत पे रखा हुआ था, शवेज जो है दिन के टाइम छत पे इसको ले जाते थे और ये जो झूले में लेट के धूप को एंजॉय करता था। तो 2 दिन में हो गए थे, छत पे पड़ा था और रात को जो है ना वो क्या करते हैं ओस पड़ती है तो ये खराब हो रहा था। तो अभी इसको नीचे लेके आए और दिन को फिर ऊपर लेके जाएंगे। शवेज जो है आजकल धूप एंजॉय कर रहा है, सर्दियों की धूप। ये देखो शवेज उड़ के आ रहा है। अभी जो काम करना है वो ये है कि ये स्टडी लैम्प है, इसके अंदर ना पहले ये छोटा बल्ब लगा हुआ है, तो वो डिमांड आई है कि इसकी लाइट जो है ना बहुत कम लाइट है। तो अभी मैं ना बहुत बड़ा बल्ब ले गया हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखें 30 वाट का है, इतना बड़ा है, और ये ओसाका का 30 वाट का बल्ब है। तो अभी ये रिप्लेस करके देखते हैं, अभी इसकी रोशनी चेक कर लेते हैं कि इसकी रोशनी है कितनी की, इतनी कम क्यों लग रही है इसकी रोशनी। वैसे है तो काफी स्टडी करी तो बहुत है, फिर भी हम इसको बढ़ा देते हैं कि बड़ा बल्ब लगाने से कितनी रोशनी मिलती है। वैसे बड़ा बल्ब लग जाएगा ना तो हमें वीडियो बनाने के काम भी आएगा, उसकी रोशनी चाहिए होती है तो वो भी अच्छी रोशनी हो जाएगी, कहीं भी इसको खड़ा कर सकते हैं और आप वीडियो बना सकते हैं सही। तो ये देखें माशाल्लाह जंबो किस्म का बल्ब है जी, ये इसके पीछे प्लास्टिक लगा हुआ, देखते हैं इसके अंदर लगता भी है या नहीं, क्योंकि ये छोटे बल्ब की स्पेस बनी होती है और ये बहुत बड़ा है, लग तो जाएगा लेकिन ये इससे बाहर आ गया, जो इसका कवर है ना लाइट वाला उससे भी बाहर आ गया। चलें जी लगाते हैं और देखते हैं, अभी इसको करते हैं ऑन। ये लग गया जी स्विच और ये ऑन, ये चेक करें, ये तो सूरज रोशनी दिखाने वाली बात होगी, बहुत ही बम्बू किस्म की लाइट है। ये स्टडी के लिए वैसे ठीक नहीं है, ये वैसे कमरे में रोशनी करने के लिए फिट है।
ऐसे ये काम आएगा, यूट्यूब बनाने के लिए बहुत परफेक्ट है। जहाँ रोशनी चाहिए होगी इसको उठाया और वहाँ पे रख दी। अभी जी टाइम हो गया है डिनर का। आज हम लोगों ने घर में कुछ नहीं बनाया क्योंकि दोपहर को हम लोग वलीमा अटेंड करने गए हुए थे शादी का, और वहाँ पे हमने खाना वाना दबा के खाया। तो घर आया तो बंदा वैसे शादी अटेंड करता है या वलीमा वगैरह अटेंड करता है तो बंदा घर रहता है ना, तो बंदा ऐसे थक जाता है ना कि जैसे बहुत बड़ा कोई काम करके, हालांकि किया कुछ नहीं होता। यहाँ से तैयार होते हैं, जाते हैं वहाँ पे, खाते पीते हैं, थोड़ा बैठते हैं, गपशप होती है और फिर वापस आ जाते हैं। और थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। कुछ बैर से ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, थोड़ा सा जस्ट हल्की फुल्की भूख में जैसे टक हो जाता है ना, उसी हल्की फुल्की भूख के लिए हम लोगों ने थोड़ा सा अरेंजमेंट किया और हमने चीते से ऑर्डर किया और वो हमें अभी दे के गया। पता है क्या ऑर्डर किया था हमने जी? ऑर्डर किया था बहुत ही उल्टा पुल्टा जो इस टाइम नहीं खाया जाता। हमने जी ऑर्डर किया था चिकन चीज़ पराठा, तो वो अभी हमें मिला है और देखते हैं वो कैसा है, चिकन चीज़ है या कुछ और ही कोई चीज़ आ गई हमारे हाथ। इसके साथ ये इमली की चटनी आई है और साथ में ये रहता है दही वाला। इधर हमारा पराठा है जी, ये चेक करें। तो ये हमारा चिकन चीज़ पराठा है। अभी इसको टेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, खाते हैं, हल्की फुल्की भूख कम करते हैं और फिर होगी हमारी चाय वाय और फिर हमारा डिनर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।